ये दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। अर्गिस नहीं, सबसे अच्छी नौकरी पुलिस की होती है और हम लोगों की मदद भी करते हैं। मुझे लगता है तुम गलत हो, तुम्हारी बातें बेकार की हैं। बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो? मामा आज मिस बैनर्जी ने हमें बहुत ही मजेदार होमवर्क दिया है। हमें अपना पसंदीदा काम ढूंढना है, तो मैं हूँ इस शहर का नया पुलिस वाला। पर बेकार बनना ज्यादा मजेदार है। मामा आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुम दोनों का काम बहुत ही मजेदार है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम इंतजार करो, शर्त लगा लो कि तुम्हें मेरे काम से जलन होगी। छोटे, जब मैं जो चाहे केक खा सकता हूँ तो फिर मुझे जलन क्यों होगी? मेहमानों के लिए लगभग सब कुछ तैयार है। ये तो सब अलग है। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? ये सब केले के स्वाद के हैं। हाँ मिस अरोरा। छोटे चलो चले सवारी पे, हमें निगरानी भी रखनी है। आ जाओ। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी गाड़ी बहुत छोटी है। तुम्हारी सवारी वहाँ है, जाओ उस पर चढ़ जाओ। वाह कमाल है, मेरा तो दिल ही जीत लिया। चलो चले। हेलो छोटे। राजकुमार लल्लू, तुम तो पिंकी के पापा से लकड़ी का काम सीख रहे थे ना? मैं तो आज छुट्टी पर हूँ। ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। जरा इधर देखो। वाह, ये है केले के स्वाद वाली ब्रेड। मुझे तीन चाहिए। बिल्कुल, ये अपना काम कितने अच्छे से कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, फिर मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत की है ना, खा लेना। मुझे केक चाहिए। ये पाइनएप्पल केक है। वाह! अब मेरे केक के लिए। मुझे नींबू के स्वाद वाला केक चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना दो, खाना दो। इस तरफ से, ठीक है? इधर, मैं बदमाशों को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ये निशान खराब हो गए हैं, इसे फिर से पेंट करना होगा। ठीक है, चल जाएगा। शेरिफ, शेरिफ, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या कोई बड़ी परेशानी है? वो देखो, मेरी पतंग अटक गई है। शुक्रिया। फिर से निगरानी पर चलते हैं। इतना काम था। कैसे हो भाई, कैसा चल रहा है सब? मैं सफाई कर रहा हूँ। मैं जंगल को बचा रहा हूँ। ना 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 ना। मेरा ब्रेक का समय है और मेरे पास केक है। मेरे पास अपना स्कूटर है और मुझे सफाई करने की जरूरत नहीं है। स्वीट्स बेकरी। हाँ बड़े, मेरी बात सुनो, हमारे पास बड़ा ऑर्डर आया है, हमें 5 बजे तक सब कुछ तैयार करना होगा। अगर हम फटाफट काम करेंगे तो हम ये ऑर्डर कर सकते हैं। हमें थोड़ा आटा खरीदना होगा, चलो चले। मेरे लिए रुको। हेलो अरोरा बेकरी, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना, हम अभी लेकर पहुंचते हैं। मिसेस अरोरा? हाँ? वो मिसेस बेकमैन थी, उन्होंने कल जो केक ऑर्डर किया था वो उन्हें नहीं मिला। ओहो, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, और आज मुझे इस बड़े ऑर्डर पर भी तो काम करना है। बड़े, क्या तुम इसे पहुंचा दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। बारिश हो रही है।
और ये हो गया। अब लैंडस्लाइड से लोगों को नुकसान नहीं होगा। ये काम तो जितना मैंने सोचा था उससे काफी मुश्किल है। बारिश रुक गई। बड़े हाँ? फिर मिलेंगे। हाय शेरिफ चिंचला। छोटे यही रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। मैं थक गया हूँ और अब तक मैंने कोई बड़ा केस सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, समझ गई, हम सीधे वहीं आ रहे हैं। हाँ, बड़ा केस। छोटे क्या तुम तैयार हो? छोटे अब मैं तैयार हूँ बुराई से लड़ने के लिए। कोई भी बदमाश मेरे हाथों से ये सब करने की जरूरत नहीं। हम तो सिर्फ बूढ़ी बिल्ली की टोकरी ढूंढने में मदद करने जा रहे हैं। हमारा बस इतना सा ही काम है। बिल्कुल, टोकरी के साइड पर बकरी के सिंह की एक फोटो लगी है। चलो चले। बड़े प्लीज जरा वो दूध पास करोगे? बिल्कुल। शुक्रिया। लीजिए। बढ़िया, क्या तुम जैम लेकर आओगे? हाँ। अभी आया। दूसरे जैम की बोतल भी ले आओ। बस आ गया। छोटे मुझे मिल गया, यहाँ आओ। सब समझ में आ गया, आओ इस तरफ। मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ। हम क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने मिस ओलिविया से बात की, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ, मुझे भी यही लगा। चलो छोटे। अलविदा, सर मैं आ रहा हूँ। काम खत्म हुआ। बड़े चलो अब ये आखिरी केक भी डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल। मिस ओलिविया। सुनो शेरिफ, मुझे ये टोकरी मिल गई। बकरी का सींग मिल गई, ये बूढ़ी बिल्ली की है। आखिरकार अब हम आराम कर। छोटे ये देखो, हमने सिर्फ दिन का आधा ही काम किया है। और भी बहुत है। हेलो मिस चिंचला। हाय। बाय बाय। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जल्द मिलेंगे। जल्द मिलेंगे। बच्चों डिनर कर लो। हाँ ऐसे बनाओ। नहीं ये सही नहीं है। मेरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? तुम्हें कल काम करके कैसा लगा? बड़ी मेहनत होती है, पुलिस के और भी काम होते हैं बड़े केस को सॉल्व करने के अलावा, पर मैंने बहुत से लोगों की मदद की। बिल्कुल, बेकर का मतलब दिन भर बैठकर केक खाना नहीं होता। मिसेस अरोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करती है। हमने उनके लिए बैजेस बनाए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। मिसेस अरोड़ा और शेरिफ चिंचला के लिए। जैसा मैंने सोचा था काम उससे काफी अलग था, पर कोई बात नहीं क्योंकि मुझे बहुत मजा आया ये सब करने में। पर हमने बहुत मेहनत की। मेरे बच्चों मुझे नाज है तुम पर। छोटे और निकू आज रिंकी के साथ फूल सजाने जाने वाले हैं। बड़े गुड मॉर्निंग। अरे गुलदान के साथ क्यों घूम रहे हो? नहीं निकू, ये तो मेरे शहद का जार है। ओ तुम्हारा मुंह तो देखो। तो तुम दोनों आ गए। रिंकी गुड मॉर्निंग। सब तैयार है, चलो शुरू करते हैं। रिंकी क्या मुझे पानी मिलेगा? वो टेबल पर रखा है। मैं जल्द वापस लौटूंगा। हाँ। तो आप शुरू करें। हाँ। गुलदान के अंदर पानी डालने से फूल हमेशा ताजा रहते हैं। फिर फूल लो और गुलदान में सजा दो। हाँ, बस हो गया। कितना आसान है। हो गया तुम्हारा।
मैं भी करूँगा। तुम्हारी बारी। कितनी अच्छी खुशबू है। फूलों को सजा दिया, बढ़िया दिख रहा है ना? हाँ, बढ़िया दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग मजे करो। बाय पापा, फिर मिलेंगे। शुभ हो। जबलू, क्या हो गया तुम्हें? मैंने उस फूलदान पर बहुत बड़ी हरी मक्खी देखी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पर वो तो वही थी। वो अभी तुम्हारे घर में उड़ रही थी। मेरे पीछे आओ। हाँ? चलो। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। रिंकी, क्या तुम्हें वो मिली? अभी तक नहीं। डब्लू, हमें कुछ नहीं मिला। डब्लू, मैं इधर हूँ। डब्लू, क्या वो सही में मक्खी थी? हो सकता है वो तुम्हारे दिल का वहम हो। वो सचमुच असली थी। वो बहुत बड़ी मक्खी थी और उसका रंग हरा था। उसके दो बड़े सींग थे और दो बड़ी आँखें थी। बड़ी और हरी, बड़े सींग और बड़ी बड़ी आँखों के साथ, क्या वो टिड्डा था? बिल्कुल नहीं, टिड्डा इतना बड़ा नहीं होता। कोई बात नहीं, छोटी सी मक्खी तो है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हम थोड़ा खाना बाहर गिरा सकते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, खाना ढूंढते हैं। क्या ये काम करेगा? पता नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं। क्या पता ये काम कर जाए। हमारा आइडिया कैसे काम नहीं किया? शायद बड़े बातें बना रहा हो। मैंने सच में उसे देखा था। अब हम क्या करें? हाँ, मेरे पास आइडिया है। वो पौधे शायद उनकी तरफ मक्खियाँ खींची चली आए। उन दोनों का रंग एक जैसा होता है ना, हरा। मैं भी मदद कर रहा हूँ। ये लो। मक्खी लौट आई। तुम ये संभालो, मैं बाद में आता हूँ। मुझे जाना होगा। ये इतनी भी डरावनी नहीं है। ये तो बस एक टिड्डा है। मेरे पास सुनो, इस पर नजर डालो। ये तो बड़ा दिख रहा है। लगता है बड़े ने इसे ही देखा था। कहाँ हो तुम दोस्तों? बड़े, इधर आओ। वो बड़ी मक्खी लौट आई है, देखो। आ जाओ। ये है, मैंने उसे डरा दिया। ये तो छोटी वाली है, बड़ी वाली कहाँ है? तुमने उसे डरा दिया, वो वही तो थी। वो सही कह रही है, तुमने उसे गुलदान के पीछे से देखा था। हाँ। तब वो बहुत ही बड़ी लग रही थी। एक ही? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दिखाता हूँ। ये देखो, गुलदान कांच का है। इसके पीछे से देखो तो सब कुछ बड़ा दिखता है। वाह, देखो तो तुम्हारा चेहरा कितना बड़ा दिख रहा है। देखा, ये एकदम जादू की तरह है। मुझे भी करना है। चलो किचन में करते हैं दोस्तों।
हाँ, ये तो कमाल है दोस्तों। क्या ये खाने को भी बड़ा करेगा? मैं करके देखता हूँ। ठीक है। ओह वाह! क्या ये मीठा हो गया है? हाँ, इसका स्वाद तो वैसा ही है। चलो बाहर जाकर ट्राई करते हैं। चलो चले। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब मेरी बारी है। लाओ अब मैं करता हूँ। ये देखो। ये सही नहीं है। कितने बड़े हैं ये? निकु मुझे देखने दोगे? ये लो। संभल के। गिरते गिरते रह गया। चीजें बड़ी नहीं हो रही है। हाँ? हाँ? क्या हुआ? यहाँ दो। आइडिया। ये देखो। ये काम कर रहा है। समझे? ये तब काम करता है जब इसमें पानी होता है। पर इसे पानी की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि चलो देखते हैं। हे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? पापा, हमने एक बहुत दिलचस्प चीज की खोज की है। जब गुलदान में पानी होता है तो चीजें बड़ी दिखती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें पानी डालना होगा। मगर गुलदान में पानी के होने की क्या जरूरत है, बताएंगे? अच्छा सवाल है निको। मैं समझाता हूँ तुम्हें। कांच का फूलदान पानी के साथ मिलकर चीजों के आकार को बढ़ा देता है। रोशनी की किरणें जब कांच से गुजरती है तो ऐसा करने से चीजें झुक जाती है और बड़ी दिखती है, और ये एक मैग्नीफाइड ग्लास जैसा होता है। तो तुम लोग समझ गए जो मैंने समझाया तुम लोग को? मैं समझ गया। पर अगर हम किसी भी चीज को पानी में डाल देते हैं तो ये काम नहीं करता है। ये देखो, तुम लोग कोशिश कर सकते हो। इसे देखो। वाह, ये तो सच में जादू है। बच्चों, मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए मजेदार है। तो चले। ये देखो, टन टन। मेहमान आए हैं, चलो देखते हैं कौन आया है। हाय, सभी को गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, देखो कौन आया है। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा ऑस्कर। हम सब ने तुम्हें याद किया। क्या राजकुमार लल्लू याद है? सुनो बच्चों, ऑस्कर आज तुम्हारे साथ खेलेगा। क्या बात है? क्लास, चलो एक खेल खेलते हैं। सभी लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखो। मैं तुम्हें किसी चीज को ढूंढने के लिए कहूँगी, समझ गए ना? क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो पहली चीज है छोटे सितारे। ढूंढना शुरू करो। हाँ, वो रहा एक छोटा सितारा। हा? मुझे भी एक दिख गया। अगली चीज व्हील। ये रहा। ये बहुत अच्छा है। और अब अगली चीज है भुट्टा। ये इधर है। मुझे भुट्टा पसंद है। बहुत बढ़िया, अब ढूंढो बरसाती जूते। ऑस्कर, ये बरसाती जूता नहीं है, ये भुट्टा है। अरे
ऑस्कर हमारे साथ खेल सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ऑस्कर अभी ये सब सीख रहा है, वो छोटा बच्चा है, वो अभी समझ नहीं सकता। वो हमारी नकल कर सकता है, वो सीखकर बड़ा और समझदार बनेगा। ऑस्कर ये क्या है? कैची का जोड़ा। कच्चा कच्चा कच्चा। अगली चीज एप्पल। अरे उसने ढूंढ लिया। ऑस्कर तुम बहुत अकलमंद हो। हाँ, तुम बहुत चालाक हो। तो क्लास चलो पेंटिंग सीखते हैं। तुम लोग शुरू करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऑस्कर मजे करना। ये लो। पहले तुम्हें बनाना चाहिए। पर राजकुमार लल्लू क्या बनाएगा? मैं समझ गया। पहले मुझे थोड़ा पेंट चाहिए। अब मुझे थोड़ी पत्तियां चाहिए। दोस्तों देखो मैंने कितना कमाल का सेब बनाया है, है ना लाजवाब? बहुत अच्छा है राजकुमार लल्लू। मेरा भी हो गया। मुझे देख दो, मुझे देख दो। कितनी प्यारी तितली है, तुम लाजवाब हो। शुक्रिया दोस्तों। हे भाई तुम ऑस्कर के साथ खेलो। ऑस्कर वो क्या कर रहा है? वो तो पूरा खराब कर रहा है। बड़े क्या तुम इसे अच्छे से पेंट करना सिखा सकते हो? पर मैं क्यों? वो बहुत समझदार है, जल्दी सीख जाएगा। ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे किया और ये हो गया। ये तो ठीक नहीं है, ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। रुको पहले मेरी कलाकारी देखो। तितली वो ऐसी दिखती है। नहीं तुम इस पर नहीं कर सकते। अरे जरा शांति से काम लो। मुझे पता है, पहले तुम एक बड़ा सा गोल बनाओगे, अब तुम कोशिश करो। धीरे से। बहुत बढ़िया, आज तुमने कर दिखाया, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। पर ये थोड़ा गड़बड़ है। ये तितली जैसा तब लगेगा जब हम इसके पंख बनाएंगे। ऑस्कर चलो लगे रहो। छोटे मैंने उसे बहुत अच्छी तरह सिखाया, फिर भी वो सही नहीं कर रहा है। मैं मदद करता हूँ। ये तो कमाल है। अब छोटे तुम्हें पेंट करना सिखाएगा। याद रखना पहले तुम्हें एक बड़ा सा गोल बनाना है। क्या बात है ऑस्कर? क्या किया उसके साथ? हम तो उसे बस पेंट करना सिखा रहे थे। ये देखो ये क्या बनाया है? हाँ ऑस्कर ने बनाया है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी पूंछ है। ये मेरी पूंछ है। एक लाइन ही खींच रहा था। ओह वो फिर से गड़बड़ कर रहा है। मुझे नहीं लगता बड़े, मुझे तो बल्कि अच्छा लग रहा है। पर ये तो कुछ भी नहीं लग रहा। वो तो बस एक लाइन ही खींच रहा था। जो कुछ भी हो। ये देखो दोस्तों ये कैसा लग रहा है, ये कैसा दिख रहा है? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता। नहीं समझे, स्नेह का खेल है। अगर हम बॉडी, दो एंटीना, दो आंखें लगा ले और फिर मुंह बना दे तो ये बिल्कुल स्नेह की तरह लगेगा। वाह तुमने ठीक कहा। वो तो बस ऐसे ही लाइन खींच रहा था। मेरे पास एक आईडिया है। ऑस्कर अपनी पसंद से हमें बनाकर दिखाएगा और हमें गैस करना होगा कि वो तस्वीर किसकी है। चलो शुरू करें। चलो शुरू करें। मैं भी हूँ।
देखो ऑस्कर खेलने के लिए तैयार है। वाह, मुझे देखने दो, ये तो मजेदार एडवेंचर लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? वाओ, शानदार। अब मैं कोशिश करूंगी, मेरी बारी। हाँ, उन्हें मिला देते हैं। तुम्हारा राजकुमार लल्लू भी कोशिश करेगा। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो सुबह सुबह का जंगल दिख रहा है। ये तो मुझे स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। हेलो क्लास, तुम क्या कर रहे हो? मिस बनर्जी, हम सोच रहे हैं। ये देखो, ये मुझे शहद के साथ कुकीज की याद दिला रहा है। और ये वाला देखकर मुझे जंगल की याद आ गई। ऑस्कर की पेंटिंग काफी अच्छी है। दोस्तों देखो, ये एक केले का स्पेसशिप है। इसे तुम्हारा सुपर हीरो राजकुमार लल्लू उड़ाएगा और इस स्पेसशिप में पूरी दुनिया में घूमते हैं। है ना कमाल का, बताओ? लाजवाब। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे जो चाहे वो ड्राइंग करने देती थी। लगता है तुम्हारी मम्मी काफी अच्छी है बबली। तुम देख सकते हो, कला सब में होती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने छोटे हो, हम सबकी सोच और समझ बहुत कमाल की होती है। हम सब अलग अलग हैं और हम कितने अलग अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं। मैं जो चाहता हूँ पेंट कर देता हूँ। हम सब छोटे थे तो ऐसे पेंटिंग करते थे और मम्मी संभाल कर रखती थी। बिल्कुल सही, उन्होंने अभी उन्हें दीवार पर लटका रखा है। कितनी प्यारी है, तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। चलो अब खाने का समय हो गया है। खाने की चीज? ओ प्लीज मिस बनर्जी। अच्छी ड्राइंग है, अब मैं खाऊंगा। ये तुम्हारे लिए ऑस्कर। उसके चेहरे पे पूरा खाना लग गया है। महाराज पिंकी और छोटे सब मिलकर कंचे खेल रहे हैं। गोल। बहुत बढ़िया महाराज। ये छोटे, अब तुम्हारी बारी। चलो चलो चलो। देखते हैं। छोटे, मेरा कंचा गड्ढे में गिर गया, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा। मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया मुन्ना, क्या तुम पहुंच सकते हो? बस मिल ही गया था। एक बार मुझे कोशिश करने दो। गड्ढा बहुत गहरा है। मुझे पता है, इसे खोद कर कंचा निकालते हैं। तैयार हो? राजकुमार लल्लू, तुम कितने समझदार हो। ये रहा, मिल गया। छोटे, ये लो। शुक्रिया बाबू। ये क्या है? क्या बात है लल्लू? वो क्या है? ये देखो कितना गोल है और कितना सख्त भी है। अच्छा है ना? हाँ है तो। मैं जानता हूँ कि ये क्या है। हमें बताओ राजकुमार लल्लू, क्या है ये? ये एक तरह का ड्रम है। एक ड्रम? क्या सच में? चलो देखते हैं। ये तो ड्रम ही है, पर आवाज तो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई। मुझे सुनने दो। चलो हटो यहाँ से, मैं छानबीन करता हूँ। इसे बजाने के लिए पहले लकड़ी चाहिए।
वाह, राजकुमार लल्लू की जय हो। राजकुमार लल्लू, ये कोई मामूली ड्रम नहीं है। वो क्या हो गया? बबली, क्या तुम जानती हो ये क्या है? हमें लगा कि ये बस एक ड्रम है, पर हम गलत थे। हाँ, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो प्राचीन है। प्राचीन? प्राचीन क्या होता है? प्राचीन एक बहुत ही पुरानी और कीमती चीज होती है। हजारों साल पुरानी है। अगर हम अपनी उम्र जोड़ ले तो भी उससे कई ज्यादा पुरानी। वाह, ये तो कमाल का है। क्या बात है, लाजवाब। ये यहाँ कब से पड़ी होगी, पता भी नहीं हमें। ये सुना तो देखो, इधर आओ दोस्तों। वाह, मेरे घर पे भी पुरानी चीजें हैं। शायद वो प्राचीन हो और कीमती हो। सुनो बबली बबली, मेरे घर पे बहुत सब पुराना सामान है। क्या तुम पता लगाने में मेरी मदद करोगी कि वो प्राचीन है या नहीं? हाँ बिल्कुल। मेरे घर पर भी पुराना सामान है। मैं बबली को उन्हें देखने के लिए बोलता हूँ। मेरे भी। बबली, मेरे घर भी पुराना सामान है। क्या मेरा सामान भी देखोगी? चलो चले, हम जल्द लौटेंगे। ये किताब बहुत पुरानी लगती है। इसके अंदर क्या है? वाह, ये जरूर प्राचीन होगी। मैं बबली को दिखाता हूँ। बबली, छोटे। हाँ? हाय। लल्लू। इसे देखो, ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। वाह, ये कितना शानदार लग रहा है। लल्लू उठो, तुम इसे तोड़ दोगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी प्राचीन चीज पर बैठे थे। प्राचीन? जरा देखो तो। ये तो बस एक पुराना पत्थर है। नहीं तो तुम सुन कर देख सकते हो। चलो भी। ये क्या चीज है? हम इस पत्थर से पत्ते और मसाले कूटते हैं। मुझे नहीं लगता ये प्राचीन चीज है। मेरी दादी की दादी ने इसे मेरी परदादी को दिया था, फिर उन्होंने मेरी दादी को दिया था, और फिर उन्होंने मेरी माँ को दिया। वहीं रुक जाओ, इसकी बदबू बहुत गंदी है। मुन्ना। छोटी। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि ये किताब प्राचीन है? ये तो बहुत मोटी है, लगता है ये जादुई किताब है। मुझे मेरे लिविंग रूम में मिली। चलो इसे खोलो। चलो भी मुन्ना। ठीक है। ये जादुई किताब नहीं है, ये मेरे पापा की किताब है। इसमें बहुत सारी फोटोज हैं। वाह, इसे देखो। अच्छी ड्राइंग्स है। ये मेरे घर की फोटो है, जब मेरा घर नहीं बना था उससे पहले की फोटो है ये। ओ, ये किताब बहुत पुरानी है। हाँ? शायद इसमें मेरा घर भी हो सकता है। मुझे मेरा घर ढूंढना है। पहले मुझे देखने दो। लाना पड़े, ले सकते हैं तो आके ले लो। देखने दो। अब देखता हूँ कहाँ है। ये तो बिल्कुल यहाँ। तो ये कैसा लग रहा है? ये चीज तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे इस किताब में है। ये देखो। तुम ठीक कहते हो। क्या इस चीज को बुक के हिसाब से बनाया गया है? मुझे तो नहीं पता। तो क्या ये प्राचीन है? यकीन से नहीं कह सकते। ये बहुत पुरानी लग रही है, बिल्कुल प्राचीन की तरह। इसे होने की जरूरत नहीं है। पर ये जरूर होगी। नहीं। ये जरूर प्राचीन ही होगी। नहीं है, नहीं है। रुको रुको।
बहस मत करो। हाँ, चलो पापा से पूछते हैं। ठीक है। हाँ? मिस्टर की काफी बिजी लग रहे हैं। इतनी सारी किताबें। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो मिस्टर जी। पापा। हेलो बच्चों। मिस्टर की आपकी मदद चाहिए। मुझसे कैसी मदद? अंकल एक बात सुनिए, हमें आपसे इस किताब के बारे में कुछ पूछना है। और वो किताब ये है पापा, इसमें क्या बना है? हाँ? मुझे लगता है ये चीज बहुत पुरानी होगी। मिस्टर की? हाँ? ये क्या चीज है? इसे प्लिंथ कहते हैं, इसे कॉलम बेस भी कहते हैं। कॉलम बेस, समझे बच्चों? कॉलम बेस। मिस्टर की, पहले हमें लगा कि ये ड्रम है, पर इससे कोई आवाज नहीं आई। ये ड्रम नहीं है, ज्यादातर इसे सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर के साथ लगाया जाता है और इन पर खूबसूरत चित्र बने होते हैं अलग अलग आकार की। इसे देखो, इस जगह को प्लिंथ कहते हैं। क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। इस पे कुछ बना हुआ है और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ मुन्ना, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे पापा तो समझदार हैं। क्या इस किताब में जो भी बना हुआ है वो प्राचीन है पापा? पिंकी, किताब जरूर पुरानी है पर यह प्राचीन नहीं है। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। ये कॉलम बेस बहुत पुराना हो सकता है लेकिन प्राचीन नहीं, समझे बच्चों? हाँ, अब चलो लाइब्रेरी चलते हैं, और भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। किताब इकलौती प्राचीन चीज नहीं हो सकती। मजेदार लग रहा है, मुझे शाही चीज के बारे में जानना है। शायद मुझे उसका जवाब मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। हम भी साथ चलेंगे। मुझे मत भूलना। ठीक है, फिर चलो। राजकुमार लल्लू मंगू के साथ किस्मत का खेल खेलना चाहता है। चलिए देखते हैं उसकी किस्मत उसका साथ देती है या नहीं। एक, दो, तीन। निकू के बर्थडे में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। आज मैं उसे देने के लिए कुछ अच्छा तोहफा जीत कर रहूंगा। राजकुमार लल्लू। सुनो, चलो, आज तो मेरी निकल पड़ी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो चलते हैं। बॉक्स में नीली और लाल बॉल होगी। अगर हमने नीली बॉल चुनी तो हमें कैंडी मिलेगी, और अगर हमने लाल बॉल चुनी तो हमें एक रोबोट मिलेगा। वाह! पर इसमें सिर्फ एक ही लाल बॉल है। थोड़ा मुश्किल है पर हम कर सकते हैं। यहाँ तालाब क्यों है? हम इसे पार कैसे करेंगे? लगता है कल रात में बारिश हुई है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा लगा? राजकुमार लल्लू बहुत बढ़िया था। अब तुम्हारी बारी, चलो कूद के आ जाओ। मंगू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। राजकुमार लल्लू, ये बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आइडिया। सुनो मंगू, इसे पकड़ो। आप कोशिश करो इसे पकड़ के यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है। ये अरे उसे छोड़ दो। अब नीचे कूद जाओ, मैंने पकड़ लिया है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। आज तो हम जीत के रहेंगे। अंदर आ जाओ दोस्तों। हम तुम्हारे लिए बहुत सारे सेब लाए हैं ताकि हमें खेलने को मिले।
ओह अच्छा है। सात आठ नौ, तुम दोनों 11 सेब लाए हो, तुम 9 लेकर आए हो और तुमने बाकी के लेकर आए हो, है ना? तुम दोनों जीते रहो। अब ये देखो। इसका स्वाद तो लाजवाब है। अब मेरी बारी। बढ़िया, 9 कैंडीज। मुझे लाल बाल क्यों नहीं मिली? मुझे वो रोबोट चाहिए था। मुझे भी। एक बात बताऊं बच्चों, मैं तुम दोनों को इस बार रोबोट देने वाला हूँ। क्या सचमुच? जरा यही रुको। आपका शुक्रिया दादा जी। ये कहाँ गए? यही तो रखे थे मैंने, अरे सिर्फ एक ही मिला। सॉरी बच्चों, मुझे लगा मेरे पास 2 रोबोट है मगर सिर्फ। मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों से पूछता हूँ, शायद एक और रोबोट मिल जाए। तुम लोग कल मुझे आकर मिलना। सुना दादा जी, हमारे रोबोट है? सॉरी बच्चों, सारे खत्म हो गए, बस एक ही बचा है। दादाजी लेकिन आप हम दोनों में से अपनी रोबोट किसको देना चाहेंगे? मैं ये रोबोट मैं ही लूंगा। दादाजी मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं भी झाड़ू लगा सकता हूँ। ला ला ला, 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 ला। मैंने चकाचक चमका दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मेरी मदद चाहिए? मिस्टर बंता से मिलने के लिए, मैं अपना फावड़ा वहाँ भूल गया, बस वही लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा मैं आपके लिए जाता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मेरा इंतजार करना। ये सही नहीं है। रुको। राजकुमार लल्लू। मेरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर ये जा कहाँ रहे हैं? ये तालाब पार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे वो रास्ता दो। बाद में मिलता हूँ। मिस्टर बंता, मैं यहाँ फावड़ा लेने आया हूँ। वो उधर है, जाओ जाकर ले लो। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। राजकुमार लल्लू, मुझे वो फावड़ा दो। मैं यहाँ पहले आया था, ये मेरा है। वापस करो, वो रोबोट तो मैं लेके रहूंगा। चीटिंग मत करो। अभी तुम्हारा नहीं है, मेरा है। वापस करो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसे वापस कर दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे दे दो, वापस करो उसे, ये अच्छी बात नहीं है। आखिरकार पीछा छूटा। मैं यहाँ हूँ। वो फावड़ा मुझे मिल गया। फावड़ा यहाँ नहीं है। अरे नहीं, शायद वो पहाड़ से नीचे गिर गया। ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे जीतने देते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें जीतने क्यों दूँ? क्योंकि मुझे रोबोट चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। बहस मत करो, चलो चल के फावड़ा ढूंढते हैं। देखते हैं।
राजकुमार ध्यान से चलो, तुम्हें चोट लग जाती। मुझे माफ कर देना मंगू। कोई बात नहीं। देख के भूलो मत, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। आखिर एक रोबोट लेना इतना मुश्किल क्यों है? आखिरकार मुझे मिल ही गया। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। मंगू को सच में रोबोट की जरूरत है। मैं तो लाखा को उसके जन्मदिन पे कुछ और तोहफा भी दे सकता हूँ। मंगू मुझे मिल गया। मो फावड़ा मिल गया। मंगू क्योंकि तुम्हें सच में रोबोट चाहिए तो मैंने सोचा कि इसे तुम रख लो। नहीं 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 कोई बात नहीं, इसे तुम रख सकते हो। नहीं इसे ले लो। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं तुम्हारा है। नहीं तुम्हारा है। नहीं तुम्हारा है। तुम्हारा है। मंगू ये फैसला हम किसी और पे छोड़ते हैं। पर पहले हमें ये फावड़ा उनके पास पहुंचा देना चाहिए। हम आपका फावड़ा ले आए। लल्लू और मंगू ये रहा आपका फावड़ा, हमने एक साथ काम किया। शुक्रिया बच्चों, तुम तो। ओ हाँ मुझे ये रोबोट नहीं चाहिए। वो रोबोट मंगू को दे दो, वो उसे चाहिए। नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, वो रोबोट राजकुमार लल्लू को मिलनी चाहिए। पर तुम दोनों को रोबोट चाहिए क्यों था? निकू को उसके जन्मदिन पे वो रोबोट गिफ्ट देने के लिए। मतलब हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था? बिल्कुल एक। तो काम हो गया, तुम दोनों मिलकर निकू को रोबोट दे सकते हो। ये शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दोनों की दोस्ती सबसे बड़ी है और ये तुमने आज साबित कर दिया। चलो बच्चों अंदर चलते हैं, गिफ्ट पैक कर देते हैं। चलो चलो। देखते हैं छोटे बड़े ने कल के लिए क्या सोचा होगा। मेरा हो गया। और मेरा भी। हाँ क्या मैं पुलिस जैसा लग रहा हूँ? पुलिस बड़ी कमाल है। ये दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। हरगिज नहीं, सबसे अच्छी नौकरी पुलिस की होती है और हम लोगों की मदद भी करते हैं। मुझे लगता है तुम गलत हो, तुम्हारी बातें बेकार की हैं। बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो? मामा आज मिस बैनर्जी ने हमें बहुत ही मजेदार होमवर्क दिया है। हमें अपना पसंदीदा काम ढूंढना है, तो मैं हूँ इस शहर का नया पुलिस वाला। पर को बेकार बनना ज्यादा मजेदार है। मामा आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुम दोनों का काम बहुत ही मजेदार है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तुम इंतजार करो, शर्त लगा लो कि तुम्हें मेरे काम से जलन होगी। छोटे जब मैं जो चाहे केक खा सकता हूँ तो फिर मुझे जलन क्यों होगी? मेहमानों के लिए लगभग सब कुछ तैयार है। ये तो सब लग रहा है। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? ये सब केले के स्वाद के हैं। हाँ बेचार हो रहा। छोटे चलो चले सवारी पे, हमें निगरानी भी रखनी है। आ जाओ। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी गाड़ी बहुत छोटी है। तुम्हारी सवारी वहाँ है, जाओ उस पर चढ़ जाओ। वाह कमाल है, मेरा तो दिल ही जीत लिया। चलो चले। हेलो छोटे। राजकुमार लल्लू तुम तो पिंकी के पापा से लकड़ी का काम सीख रहे थे ना? मैं तो आज छुट्टी पर हूँ।
ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। जरा इधर देखो, वाह, ये है केले के स्वाद वाली ब्रेड। मुझे 3 चाहिए। बिल्कुल, ये अपना काम कितने अच्छे से कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय, फिर मिलेंगे। ये तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत की है ना, खा लेना। मम्मा, मुझे केक चाहिए। ये पाइनएप्पल केक है। अब मेरे केक के लिए। मुझे लिम्बो के स्वाद वाला केक चाहिए। मुझे बहुत भूख है। खाना दो, खाना दो। इस तरफ से, ठीक है। इधर, मैं बदमाशों को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ये निशान खराब हो गए हैं। इसे फिर से पेंट करना होगा। ठीक है, चल जाएगा। शेरिफ, शेरिफ, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या कोई बड़ी परेशानी है? ओ, देखो, मेरी पतंग अटक गई है। शुक्रिया। फिर से निगरानी पर चलते हैं। इतना काम था। कैसे हो भाई? कैसा चल रहा है सब? मैं सफाई कर रहा हूँ। मैं जंगल को बचा रहा हूँ। ना 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 ना। मेरा ब्रेक का समय है और मेरे पास केक है। मेरे पास अपना स्कूटर है और मुझे सफाई करने की जरूरत नहीं है। स्वीट्स बेकरी। हाँ, बड़े, मेरी बात सुनो, हमारे पास बड़ा ऑर्डर आया है। हमें 5 बजे तक सब कुछ तैयार करना होगा। अगर हम फटाफट काम करेंगे तो हम ये ऑर्डर कर सकते हैं। हमें थोड़ा आटा खरीदना होगा। चलो चले। मेरे लिए रुको। हेलो, अरोरा बेकरी, कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना, हम अभी लेकर पहुंचते हैं। मिसेज अरोरा? हाँ? वो मिसेज मेकमैन थी, उन्होंने कल जो केक ऑर्डर किया था वो उन्हें नहीं मिला। ओहो, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। और आज मुझे इस बड़े ऑर्डर पर भी तो काम करना है। बड़े, क्या तुम इसे पहुंचा दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। बारिश हो रही है। और ये हो गया। अब लैंडस्लाइड से लोगों को नुकसान नहीं होगा। ये काम तो जितना मैंने सोचा था उससे काफी मुश्किल है। बारिश रुक गई। बड़े, हाँ? फिर मिलेंगे। हाय शेरिफ चिंचला। छोटे, यही रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। मैं थक गया हूँ और अब तक मैंने कोई बड़ा केस सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, समझ गई, हम सीधे वहीं आ रहे हैं। हाँ, बड़ा केस। छोटे, क्या तुम तैयार हो? छोटे, अब मैं तैयार हूँ बुराई से लड़ने के लिए। कोई भी बदमाश मेरे हाथों से ये सब करने की जरूरत नहीं। हम तो सिर्फ बूढ़ी बिल्ली की टोकरी ढूंढने में मदद करने जा रहे हैं। हमारा बस इतना सा ही काम है। बिल्कुल, टोकरी के साइड पर बकरी के सिंह की एक फोटो लगी है। चलो चले। बड़े, प्लीज जरा वो दूध पास करोगे? बिल्कुल। शुक्रिया। लीजिए। बढ़िया, क्या तुम जैम लेकर आओगे? अभी आया। दूसरे जैम की बोतल भी ले आओ। बस आ गया।
मुझे मिल गया, यहाँ आओ। सब समझ में आ गया, आओ इस तरफ। हाँ? मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ। हम क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने मिस ओलिविया से बात की, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ, मुझे भी यही लगा। चलो छोटे, अलविदा, सर मैं आ रहा हूँ। काम खत्म हुआ। बड़े, चलो अब ये आखिरी केक भी डिलीवर कर देते हैं। बिल्कुल। मिस ओलिविया। सुनो शेरिफ, मुझे ये टोकरी मिल गई। बकरी का सींग मिल गई, ये बूढ़ी बिल्ली की है। आखिरकार अब हम आराम कर सकते। छोटे, ये देखो हमने सिर्फ दिन का आधा ही काम किया है। और भी बहुत है। हेलो मिस चिंचिला। ओह हाय। बाय बाय। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जल्द मिलेंगे। जल्द मिलेंगे। बच्चों, डिनर कर लो। हाँ? ऐसे बनाओ। नहीं, ये सही नहीं है। हाँ? मेरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तुम्हें कल काम करके कैसा लगा? बड़ी मेहनत होती है, पुलिस के और भी काम होते हैं बड़े केस को सॉल्व करने के अलावा, पर मैंने बहुत से लोगों की मदद की। बिल्कुल, मेकर का मतलब दिन भर बैठकर केक खाना नहीं होता। मिसेस अरोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत करती है। हमने उनको के लिए बैजेस बनाए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। मिसेस अरोड़ा और शेरिफ चिंचिला के लिए। जैसा मैंने सोचा था, काम उससे काफी अलग था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया ये सब करने में। पर हमने बहुत मेहनत की। मेरे बच्चों, मुझे नाज है तुम पर। छोटे और निकू आज रिंकी के साथ फूल सजाने जाने वाले हैं। बड़े, गुड मॉर्निंग। अरे, गुलदान के साथ क्यों घूम रहे हो? नहीं निकू, ये तो मेरे शहद का जार है। ओ, तुम्हारा मुंह तो देखो। तो तुम दोनों आ गए। रिंकी, गुड मॉर्निंग। सब तैयार है, चलो शुरू करते हैं। रिंकी, क्या मुझे पानी मिलेगा? वो टेबल पर रखा है। मैं जल्द वापस लौटूंगा। हाँ। तो आप शुरू करें। हाँ। गुलदान के अंदर पानी डालने से फूल हमेशा ताजा रहते हैं। फिर फूल लो और गुलदान में सजा दो। हाँ, बस हो गया। कितना आसान है। हो गया तुम्हारा? मैं भी करूंगा। तुम्हारी बारी। कितनी अच्छी खुशबू है। पापा, हमने फूलों को सजा दिया। बढ़िया दिख रहा है ना? हाँ, बढ़िया दिख रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब मैं चलता हूँ, तुम लोग मजे करो। बाय पापा। फिर मिलेंगे। जबलो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने उस फूलदान पर बहुत बड़ी हरी मक्खी देखी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पर वो तो वही थी। वो अभी तुम्हारे घर में उड़ रही थी। मेरे पीछे आओ। हाँ? चलो। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। रिंकी,
क्या तुम्हें वो मिली? अभी तक नहीं। डब्लू, हमें कुछ नहीं मिला। डब्लू, मैं इधर हूँ। डब्लू, क्या वो सही में मक्खी थी? हो सकता है वो तुम्हारे दिल का वहम हो। वो सचमुच असली थी। वो बहुत बड़ी मक्खी थी और उसका रंग हरा था। उसके दो बड़े सींग थे और दो बड़ी आँखें थी। बड़ी और हरी, बड़े सींग और बड़ी बड़ी आँखों के साथ, क्या वो टिड्डा था? बिल्कुल नहीं, टिड्डा इतना बड़ा नहीं होता। कोई बात नहीं, छोटी सी मक्खी तो है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। हम थोड़ा खाना बाहर गिरा सकते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, खाना ढूंढते हैं। क्या ये काम करेगा? पता नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं। क्या पता ये काम कर जाए। शायद बड़े बातें बना रहा हो। मैंने सच में उसे देखा था। हाँ? अब हम क्या करें? हाँ? मेरे पास आइडिया है। वो पौधे, शायद उनकी तरफ मक्खियाँ खींची चली आए। उन दोनों का रंग एक जैसा होता है ना, हरा। मैं भी मदद करता हूँ। ये लो। मक्खी लौट आई, तुम ये संभालो। मैं बाद में आता हूँ, मुझे जाना होगा। ये इतनी भी डरावनी नहीं है। ये तो बस एक टिड्डा है। मेरे पास सुनो, इस पर नजर डालो। ये तो बड़ा दिख रहा है। लगता है बड़े ने इसे ही देखा था। कहाँ हो तुम दोस्तों? बड़े, इधर आओ। वो बड़ी मक्खी लौट आई है, देखो। आ जाओ। ये है, मैंने उसे डरा दिया। ये तो छोटी वाली है, बड़ी वाली कहाँ है? तुमने उसे डरा दिया, वो वही तो थी। वो सही कह रही है, तुमने उसे गुलदान के पीछे से देखा था। हाँ। तब वो बहुत ही बड़ी लग रही थी। एक ही? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दिखाता हूँ, ये देखो, गुलदान कांच का है। इसके पीछे से देखो तो सब कुछ बड़ा दिखता है। वाह, देखो तो तुम्हारा चेहरा कितना बड़ा दिख रहा है। देखा, ये एकदम जादू की तरह है। मुझे भी करना है। चलो किचन में करते हैं दोस्तों। हाँ। हाँ, ये तो कमाल है दोस्तों। क्या ये खाने को भी बड़ा करेगा? मैं करके देखता हूँ। ठीक है। ओह वाह, क्या ये मीठा हो गया है? हाँ, इसका स्वाद तो वैसा ही है। चलो बाहर जाकर ट्राई करते हैं। चलो चले। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अब मेरी बारी है। लाओ, अब मैं करता हूँ। ये देखो, ये सही नहीं है। कितने बड़े हैं ये। देखो, मुझे देखने दोगे? ये लो। संभाल के। गिरते गिरते रह गया। चीजें बड़ी नहीं हो रही है। हाँ? हाँ? क्या हुआ, यहाँ दो। आइडिया, ये देखो। ये काम कर रहा है। समझे, ये तब काम करता है जब इसमें पानी होता है। पर इसे पानी की क्या जरूरत है? वो इसलिए क्योंकि, चलो देखते हैं। हे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? पापा, हमने एक बहुत दिलचस्प चीज की खोज की है। जब गुलदान में पानी होता है तो चीजें बड़ी दिखती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें पानी डालना होगा। मगर गुलदान में पानी के होने की क्या जरूरत है, बताएंगे? अच्छा सवाल है निको। मैं समझाता हूँ तुम्हें। कांच का फूलदान पानी के साथ मिलकर चीजों के आकार को बढ़ा देता है।
रोशनी की किरणें जब कांच से गुजरती है तो ऐसा करने से चीजें झुक जाती है और बड़ी दिखती है, और ये एक मैग्नीफाइड ग्लास जैसा होता है। तो तुम लोग समझ गए जो मैंने समझाया तुम लोग को? मैं समझ गया। पर अगर हम किसी भी चीज को पानी में डाल देते हैं तो ये काम नहीं करता है। ये देखो, तुम लोग कोशिश कर सकते हो। इसे देखो, वाह, ये तो सच में जादू है। बच्चों, मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए मजेदार है। तो चले, ये देखो, टन टन। मेहमान आए हैं, चलो देखते हैं कौन आया है। हाय, सभी को गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चों, देखो कौन आया है। वाह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा ऑस्कर। हम सबने तुम्हें याद किया। क्या राजकुमार लल्लू याद है? सुनो बच्चों, ऑस्कर आज तुम्हारे साथ खेलेगा। क्या बात है? क्लास, चलो एक खेल खेलते हैं। सभी लोग इस पिक्चर को ध्यान से देखो। मैं तुम्हें किसी चीज को ढूंढने के लिए कहूंगी, समझ गए ना? क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। तो पहली चीज है छोटे सितारे, ढूंढना शुरू करो। हाँ, वो रहा एक छोटा सितारा। हा? मुझे भी एक दिख गया। अगली चीज व्हील, ये रहा। ये बहुत अच्छा है। और अब अगली चीज है भुट्टा। ये इधर है, मुझे भुट्टा पसंद है। बहुत बढ़िया, अब ढूंढो बरसाती जूते। ऑस्कर, ये बरसाती जूता नहीं है, ये भुट्टा है। मिस बैनर्जी, ऑस्कर हमारे साथ खेल सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ऑस्कर अभी ये सब सीख रहा है, वो छोटा बच्चा है, वो अभी समझ नहीं सकता। वो हमारी नकल कर सकता है, वो सीखकर बड़ा और समझदार बनेगा। ऑस्कर, ये क्या है? कैची का जोड़ा। कच्चा कच्चा कच्चा। अगली चीज एप्पल। अरे उसने ढूंढ लिया। ऑस्कर, तुम बहुत अकलमंद हो। हाँ, तुम बहुत चालाक हो। तो क्लास, चलो पेंटिंग सीखते हैं। तुम लोग शुरू करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऑस्कर, मजे करना। ये लो। पहले तुम्हें बनाना चाहिए। पर राजकुमार लल्लू क्या बनाएगा? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, पहले मुझे थोड़ा पेंट चाहिए। अब मुझे थोड़ी पत्तियाँ चाहिए। दोस्तों, देखो मैंने कितना कमाल का सेब बनाया है। है ना लाजवाब? बहुत अच्छा है राजकुमार लल्लू। मेरा भी हो गया। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। कितनी प्यारी तितली है।
शुक्रिया दोस्तों। ए भाई, तुम ऑस्कर के साथ खेलो। ऑस्कर? वो क्या कर रहा है? वो तो पूरा खराब कर रहा है। बड़े, क्या तुम इसे अच्छे से पेंट करना सिखा सकते हो? पर मैं क्यों? वो बहुत समझदार है, जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे किया और ये हो गया। ये तो ठीक नहीं है, ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, पहले मेरी कलाकारी देखो। तितली, वो ऐसी दिखती है। नहीं, तुम इस पर नहीं कर सकते। अरे, जरा शांति से काम लो। मुझे पता है, पहले तुम एक बड़ा सा गोल बनाओगे, अब तुम कोशिश करो। धीरे से, बहुत बढ़िया। आज तुमने कर दिखाया, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। पर ये थोड़ा गड़बड़ है। ये तितली जैसा तब लगेगा जब हम इसके पंख बनाएंगे। ऑस्कर, चलो लगे रहो। छोटे, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह सिखाया, फिर भी वो सही नहीं कर रहा है। मैं मदद करता हूँ। ये तो कमाल है। अब छोटे तुम्हें पेंट करना सिखाएगा। याद रखना, पहले तुम्हें एक बड़ा सा गोल बनाना है। क्या बात है ऑस्कर? क्या किया उसके साथ? हम तो उसे बस पेंट करना सिखा रहे थे। ये देखो, ये क्या बनाया है? हाँ, ऑस्कर ने बनाया है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी पूंछ है। ये मेरी पूंछ है। एक लाइन ही खींच रहा था। ओह, वो फिर से गड़बड़ कर रहा है। मुझे नहीं लगता बड़े, मुझे तो बल्कि अच्छा लग रहा है। पर ये तो कुछ भी नहीं लग रहा। वो तो बस एक लाइन ही खींच रहा था। जो कुछ भी हो। ये देखो दोस्तों, ये कैसा लग रहा है? ये कैसा दिख रहा है? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता। नहीं समझे, स्नेह का खेल है। अगर हम बॉडी, दो एंटीना, दो आंखें लगा ले और फिर मुंह बना दे, तो ये बिल्कुल स्नेह की तरह लगेगा। वाह, तुमने ठीक कहा। वो तो बस ऐसे ही लाइन खींच रहा था। मेरे पास एक आईडिया है। ऑस्कर अपनी पसंद से हमें बनाकर दिखाएगा और हमें गैस करना होगा कि वो तस्वीर किसकी है। चलो शुरू करें। देखो, ऑस्कर खेलने के लिए तैयार है। वाह, मुझे देखने दो, ये तो मजेदार एडवेंचर लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है? वाओ, शानदार। अब मैं कोशिश करूंगी, मेरी बारी। हाँ, उन्हें मिला देते हैं। तुम्हारा राजकुमार लल्लू भी कोशिश करेगा। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो सुबह सुबह का जंगल दिख रहा है। ये तो मुझे स्वादिष्ट खाना दिख रहा है। हेलो क्लास, तुम क्या कर रहे हो? मिस बनर्जी, हम सोच रहे हैं। ये देखो, ये मुझे शहद के साथ कुकीज की याद दिला रहा है। और ये वाला देखकर मुझे जंगल की याद आ गई। ऑस्कर की पेंटिंग काफी अच्छी है। दोस्तों देखो, ये एक केले का स्पेसशिप है। इसे तुम्हारा सुपर हीरो राजकुमार लल्लू उड़ाएगा और इस स्पेसशिप में पूरी दुनिया में घूमते हैं। है ना कमाल का? बताओ। लाजवाब। जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे जो चाहे वो ड्राइंग करने देती थी। लगता है तुम्हारी मम्मी काफी अच्छी है बबली। तुम देख सकते हो, कला सब में होती है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने छोटे हो।
हम सबकी सोच और समझ बहुत कमाल की होती है। हम सब अलग अलग हैं और हम कितने अलग अलग नजरिए से दुनिया को देखते हैं। मैं जो चाहता हूँ पेंट कर देता हूँ। हम सब छोटे थे तो ऐसे पेंटिंग करते थे और मम्मी संभाल कर रखती थी। बिल्कुल सही, उन्होंने अभी उन्हें दीवार पर लटका रखा है। कितनी प्यारी है, तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। चलो अब खाने का समय हो गया है। खाने की चीज, ओ प्लीज मिस बनर्जी। अच्छी ड्राइंग है, अब मैं खाऊंगा। ये तुम्हारे लिए ऑस्कर। उसके चेहरे पे पूरा खाना लग गया है। महाराज पिंकी और छोटे सब मिलकर कंचे खेल रहे हैं। गोल। बहुत बढ़िया महाराज। ये छोटे अब तुम्हारी बारी, चलो चलो चलो। देखते हैं। मेरा कंचा। छोटे, मेरा कंचा गड्ढे में गिर गया, मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा। मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया मुन्ना, क्या तुम पहुंच सकते हो? बस मिल ही गया था। एक बार मुझे कोशिश करने दो। गड्ढा बहुत गहरा है। मुझे पता है, इसे खोद कर कंचा निकालते हैं। तैयार हो? राजकुमार लल्लू तुम कितने समझदार हो। ये रहा, मिल गया। छोटे ये लो। शुक्रिया बाबू। ये क्या है? क्या बात है लल्लू? वो क्या है? ये देखो कितना गोल है और कितना सख्त भी है। अच्छा है ना? हाँ है तो। मैं जानता हूँ कि ये क्या है। हमें बताओ राजकुमार लल्लू, क्या है ये? ये एक तरह का ड्रम है। एक ड्रम? क्या सच में? चलो देखते हैं। ये तो ड्रम ही है, पर आवाज तो नहीं आ रही है। आवाज नहीं आई। मुझे सुनने दो। चलो हटो यहाँ से, मैं छानबीन करता हूँ। इसे बजाने के लिए पहले लकड़ी चाहिए। वाह, राजकुमार लल्लू की जय हो। राजकुमार लल्लू, ये कोई मामूली ड्रम नहीं है। क्या हो गया? बबली, क्या तुम जानती हो ये क्या है? हमें लगा कि ये बस एक ड्रम है, पर हम गलत थे। हाँ, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये तो प्राचीन है। प्राचीन? प्राचीन क्या होता है? प्राचीन एक बहुत ही पुरानी और कीमती चीज होती है, हजारों साल पुरानी है। अगर हम अपनी उम्र जोड़ ले तो भी उससे कई ज्यादा पुरानी। वाह, ये तो कमाल का है। क्या बात है लाजवाब, ये यहाँ कब से पड़ी होगी, पता भी नहीं हमें। ये सुनो तो देखो, इधर आओ दोस्तों। वाह, मेरे घर पे भी पुरानी चीजें हैं, शायद वो प्राचीन हो और कीमती हो। सुनो बबली बबली, मेरे घर पे बहुत सब पुराना सामान है, क्या तुम पता लगाने में मेरी मदद करोगी कि वो प्राचीन है या नहीं? हाँ बिल्कुल। मेरे घर पर भी पुराना सामान है, मैं बबली को उन्हें देखने के लिए बोलता हूँ। मेरे भी। बबली, मेरे घर भी पुराना सामान है, क्या मेरा सामान भी देखोगी? चलो चले, हम जल्द लौटेंगे।
ये किताब बहुत पुरानी लगती है। इसके अंदर क्या है? वाह! ये जरूर प्राचीन होगी। मैं बबली को दिखाता हूँ। बबली, छोटे। हाँ। हाय। लल्लू। इसे देखो, ये मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। वाह, ये कितने शानदार लग रहा है। है। लल्लू उठो, तुम इसे तोड़ दोगे। क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी प्राचीन चीज पर बैठे थे। प्राचीन? हाँ। जरा देखो तो। ये तो बस एक पुराना पत्थर है। नहीं तो तुम सुन कर देख सकते हो। चलो भी। ये क्या चीज है? हम इस पत्थर से पत्ते और मसाले कूटते हैं। मुझे नहीं लगता ये प्राचीन चीज है। मेरी दादी की दादी ने इसे मेरी परदादी को दिया था, फिर उन्होंने मेरी दादी को दिया था, और फिर उन्होंने मेरी माँ को दिया। वहीं रुक जाओ, इसकी बदबू बहुत गंदी है। मुन्ना, छोटे, दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि ये किताब प्राचीन है? ये तो बहुत मोटी है, लगता है ये जादुई किताब है। मुझे मेरे लिविंग रूम में मिली। हाँ? चलो इसे खोलो। चलो भी मुन्ना। ठीक है। हाँ? ये जादुई किताब नहीं है, ये मेरे पापा की किताब है। इसमें बहुत सारी फोटोज हैं। वाह, इसे देखो। अच्छी ड्राइंग है। ये मेरे घर की फोटो है, जब मेरा घर नहीं बना था उससे पहले की फोटो है ये। वाह! ओह, ये किताब बहुत पुरानी है। हाँ? हाँ? शायद इसमें मेरा घर भी हो सकता है। मुझे मेरा घर ढूंढना है। पहले मुझे देखने दो। लाना पड़े। ले सकते हैं तो आ ले लो। देखने दो। अब देखता हूँ कहाँ है। ये तो बिल्कुल यहाँ। तो ये कैसा लग रहा है? हाँ, ये चीज तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे इस किताब में है। ये देखो। तुम ठीक कहते हो। क्या इस चीज को बुक के हिसाब से बनाया गया है? मुझे तो नहीं पता। हाँ, तो क्या ये प्राचीन है? यकीन से नहीं कह सकते। ये बहुत पुरानी लग रही है, बिल्कुल प्राचीन की तरह। इसे होने की जरूरत नहीं है। पर ये जरूर होगी। नहीं, ये जरूर प्राचीन ही होगी। नहीं है, नहीं है। रुको रुको, बहस मत करो। हाँ, चलो पापा से पूछते हैं। ठीक है। हाँ? मिस्टर की काफी बिजी लग रहे हैं। इतनी सारी किताबें। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो बच्चों। मिस्टर की आपकी मदद चाहिए। मुझसे कैसी मदद? अंकल एक बात सुनिए, हमें आपसे इस किताब के बारे में कुछ पूछना है। और वो किताब ये है पापा, इसमें क्या बना है? हाँ? मुझे लगता है ये चीज बहुत पुरानी होगी। मिस्टर की? हाँ? ये क्या चीज है? इसे प्लिंथ कहते हैं, इसे कॉलम बेस भी कहते हैं। कॉलम बेस, समझे बच्चों? कॉलम बेस? मिस्टर की, पहले हमें लगा कि ये ड्रम है, पर इससे कोई आवाज नहीं आई। ये ड्रम नहीं है, ज्यादातर इसे सपोर्ट के लिए स्ट्रक्चर के साथ लगाया जाता है, और इन पर खूबसूरत चित्र बने होते हैं अलग अलग आकार की। इसे देखो, इस जगह को प्लिंथ कहते हैं। क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। इस पे कुछ बना हुआ है और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ मुन्ना, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे पापा तो समझदार हैं। क्या इस किताब में जो भी बना हुआ है वो प्राचीन है पापा? पिंकी, किताब जरूर पुरानी है, पर यह प्राचीन नहीं है।
मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। ये कॉलम्बस बहुत पुराना हो सकता है लेकिन प्राचीन नहीं, समझे बच्चों? ये तो कमाल का है। हाँ, अब चलो लाइब्रेरी चलते हैं, और भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। किताब इकलौती प्राचीन चीज नहीं हो सकती। मजेदार लग रहा है, मुझे शाही चीज के बारे में जानना है, शायद मुझे उसका जवाब मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। हम भी साथ चलेंगे। मुझे मत भूलना। ठीक है, फिर ठीक है। राजकुमार लल्लू मंगू के साथ किस्मत का खेल खेलना चाहता है। चलिए देखते हैं उसकी किस्मत उसका साथ देती है या नहीं। एक, दो, तीन। निकू के बर्थडे में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। आज मैं उसे देने के लिए कुछ अच्छा तोहफा जीत कर रहूंगा। राजकुमार लल्लू। सुनो, चलो आज तो मेरी निकल पड़ी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो चलते हैं। बॉक्स में नीली और लाल बॉल होगी। अगर हमने नीली बॉल चुनी तो हमें कैंडी मिलेगी, और अगर हमने लाल बॉल चुनी तो हमें एक रोबोट मिलेगा। पर इसमें सिर्फ एक ही लाल बॉल है। थोड़ा मुश्किल है पर हम कर सकते हैं। यहाँ तालाब क्यों है? हम इसे पार कैसे करेंगे? लगता है कल रात में बारिश हुई है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा लगा राजकुमार लल्लू? बहुत बढ़िया था। अब तुम्हारी बारी, चलो कूद के आ जाओ। मंगू, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। राजकुमार लल्लू, ये बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आइडिया। सुनो मंगू, इसे पकड़ो। आप कोशिश करो इसे पकड़ के यहाँ आ जाओ। हाँ ठीक है। ये अरे उसे छोड़ दो। अब नीचे कूद जाओ, मैंने पकड़ लिया है। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। आज तो हम जीत के रहेंगे। अंदर आ जाओ दोस्तों। हम तुम्हारे लिए बहुत सारे सेब लाए हैं ताकि हमें खेलने को मिले। ओह अच्छा है। सात, आठ, नौ, तुम दोनों 11 सेब लाए हो, तुम 9 लेकर आए हो और तुमने बाकी के लेकर आए हो, है ना? तुम दोनों जीते रहो। अब ये देखो। इसका स्वाद तो लाजवाब है। अब मेरी बारी। बढ़िया, 9 कैंडीज। मुझे लाल बॉल क्यों नहीं मिली? मुझे वो रोबोट चाहिए था। मुझे भी। एक बात बताओ बच्चों, मैं तुम दोनों को इस बार रोबोट देने वाला हूँ। क्या सचमुच? जरा यही रुको। आपका शुक्रिया दादाजी। ये कहाँ गए? यही तो रखे थे मैंने। अरे सिर्फ एक ही मिला। सॉरी बच्चों, मुझे लगा मेरे पास 2 रोबोट है मगर सिर्फ। मैं नहीं मानता। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों से पूछता हूँ, शायद एक और रोबोट मिल जाए। तुम लोग कल मुझे आकर मिलना।
सुना दादाजी, हमारे रोबोट हैं। सॉरी बच्चों, सारे खत्म हो गए, बस एक ही बचा है। दादाजी लेकिन आप हम दोनों में से अपनी रोबोट किसको देना चाहेंगे? मैं ये रोबोट मैं ही लूंगा। दादाजी मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं भी झाड़ू लगा सकता हूँ। ला ला ला, 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 ला। मैंने चकाचक चमका दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मेरी मदद चाहिए? मिस्टर बंता से मिलने के लिए, मैं अपना फावड़ा वहाँ भूल गया, बस वही लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा मैं आपके लिए जाता हूँ, मैं जल्दी वापस आऊँगा, मेरा इंतजार करना। ये सही नहीं है। अरे रुको। राजकुमार लल्लू, मेरे बच्चे क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर ये जा कहाँ रहे हैं? ये तालाब पार करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे वो रखने दो। बाद में मिलता हूँ। मिस्टर बंता, मैं यहाँ फावड़ा लेने आया हूँ। वो उधर है, जाओ जाकर ले लो। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। राजकुमार लल्लू, मुझे वो फावड़ा दो। मैं यहाँ पहले आया था, ये मेरा है। वापस करो, वो रोबोट तो मैं लेके रहूंगा, चीटिंग मत करो। अभी तुम्हारा नहीं है, मेरा है। वापस करो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसे वापस कर दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे दे दो, वापस करो उसे, ये अच्छी बात नहीं है। आखिरकार पीछा छूटा। मैं यहाँ हूँ, वो फावड़ा। मुझे मिल गया। फावड़ा यहाँ नहीं है। अरे नहीं, शायद वो पहाड़ से नीचे गिर गया। ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे जीतने देते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें जीतने क्यों दूँ? क्योंकि मुझे रोबोट चाहिए। नहीं मुझे चाहिए। बहस मत करो, चलो चल के फावड़ा ढूंढते हैं। देखते हैं। राजकुमार ध्यान से चलो, तुम्हें चोट लग जाती। मुझे माफ कर देना मंगू। कोई बात नहीं। देख के भूलो मत, तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। आखिर एक रोबोट लेना इतना मुश्किल क्यों है? आखिरकार मुझे मिल ही गया। मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। मंगू को सच में रोबोट की जरूरत है। मैं तो लाखा को उसके जन्मदिन पे कुछ और तोहफा भी दे सकता हूँ। मंगू मुझे मिल गया, वो फावड़ा मिल गया। मंगू क्योंकि तुम्हें सच में रोबोट चाहिए तो मैंने सोचा कि इसे तुम रख लो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इसे तुम रख सकते हो। नहीं इसे ले लो। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारा है। नहीं तुम्हारा है। नहीं तुम्हारा है। तुम्हारा है। मंगू ये फैसला हम किसी और पे छोड़ते हैं। पर पहले हमें ये फावड़ा उनके पास पहुंचा देना चाहिए। हम आपका फावड़ा ले आए। लल्लू और मंगू, ये रहा आपका फावड़ा, हमने एक साथ काम किया। शुक्रिया बच्चों, तुम तो। ओ हाँ, मुझे ये रोबोट नहीं चाहिए, वो रोबोट मंगू को दे दो, वो उसे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो रोबोट राजकुमार लल्लू को मिलनी चाहिए।
पर तुम दोनों को रोबोट चाहिए क्यों था? निकू को उसके जन्मदिन पे वो रोबोट गिफ्ट देने के लिए। मतलब हमारे दिमाग में एक ही ख्याल था? बिल्कुल एक। हाँ, तो काम हो गया। तुम दोनों मिलकर निकू को रोबोट दे सकते हो। ये शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दोनों की दोस्ती सबसे बड़ी है और ये तुमने आज साबित कर दिया। चलो बच्चों अंदर चलते हैं, गिफ्ट पैक कर देते हैं। चलो चलो। देखते हैं छोटे बड़े ने कल के लिए क्या सोचा होगा। मेरा हो गया। और मेरा भी। हाँ, क्या मैं पुलिस जैसा लग रहा हूँ? पुलिस बड़ी कमाल है।